टाइम न्यूज की ओर से समस्त देश एवं प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार और पटवारी पर फायरिंग की घटना सामने आई है। फिलहाल पूरे ही मामले में बाणगंगा पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। बाणगंगा थाना क्षेत्र के अरविंदो हॉस्पिटल के पीछे स्थित सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गए तहसीलदार और पटवारी पर वहां पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने अचानक फायरिंग कर दी। फायरिंग होते ही दोनों अधिकारी मौके से जान बचाकर भागे और खेत में जाकर जान बचाई, लेकिन उसके बाद भी गार्ड अपनी 12 बोर की बंदूक से फायरिंग करता रहा। इसके बाद वहीं से तहसीलदार और पटवारी ने पूरे मामले की जानकारी बाणगंगा पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों को दी है। इसके बाद बाणगंगा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे ही मामले में संबंधित गार्ड के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। वहीं बताया जा रहा है कि एक गार्ड फायरिंग की घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया है, तो वहीं एक गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रारंभिक तौर पर यह बात सामने आ रही है कि दोनों गार्ड ने मिलकर तकरीबन 25 से 30 राउंड फायरिंग की। वहीं जमीन को लेकर ये बात बताई जा रही है कि अरविंदो अस्पताल और सुरेश पटेल के बीच जमीन को लेकर ये विवाद चल रहा था। और पिछले दिनों इंदौर के विशेष न्यायालय ने अरविंद हॉस्पिटल के पक्ष में जमीन का फैसला सुनाया, लेकिन जमीन पर पटेल परिवार के 10 लोगों ने कब्जा किया हुआ है। वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद 9 लोगों ने तो अपना कब्जा हटा लिया, लेकिन सुरेश पटेल वहां पर अभी भी मकान बनाकर डटा हुआ है और सुरक्षा के रूप में 4 से 5 गार्ड भी मकान में तैनात कर दिए हैं। और कोर्ट के आदेश पर ही जमीन का कब्जा हटाने के लिए पटवारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर मौजूद गार्ड ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं घटना से संबंधित एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें फायरिंग की घटना कैद हुई और वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से वहां पर मौजूद तहसीलदार और पटवारी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे ही मामले में प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही कब्जा करने वालों के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की बात कही जा रही है। बाणगंगा थाना क्षेत्र के अंदर अरविंद हॉस्पिटल है, जिसमें की विनोद भंडारी, उनकी जमीन लगभग 7 एकड़ के करीब जमीन थी जो की हॉस्पिटल में लगी हुई थी और उसको ईडी के द्वारा 2015-16 में अटैच किया गया था। उस पर से इनके द्वारा हाईकोर्ट में लगाया था, तो हाईकोर्ट ने 2023 में आदेश किया था कि उसमें कुछ 10-12 लोगों ने अतिक्रमण भी कर लिया गया था, तो इस पर से हाईकोर्ट के द्वारा कलेक्टर सर को, जो कि इंदौर कलेक्टर सर को आदेशित किया गया था कि इसमें अतिक्रमण को हटाया जाकर इनको कब्जे वापस दिलाया जाए। इस संदर्भ में SDM तहसीलदार के द्वारा 2-3 दिन से लगातार वहाँ जा रहे थे। आज तहसीलदार और पटवारी और 1-2 अन्य लोग जब मौके पर गए तो वहाँ पर बाकी सब लोग तो खाली कर गए। एक सुरेश पटेल का जो मकान है वहाँ पर 2-3 गार्ड रहते हैं, उसमें से एक गार्ड ने जो कि गार्ड ने हवाई फायर कर दिया, लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायर कर दिया और उसके बाद 3 गार्ड थे लगभग, तो वो मौके से भी फरार हो गए। अभी एक गार्ड मिला है, उससे पूछताछ की जा रही है, प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जमीन किनके बीच ये पूरा विवाद। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।